आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी. मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर शेप, एक्सप्लेन. अब मैं ध्यान रखूंगी, जेसी ने क्या बोला, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि बिल्कुल भी कागज को वेस्ट ना करूं, पेपर में वेस्ट नहीं करूंगी. बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं कागज बनाने के लिए, तो अब आगे से मैं पेड़ को वेस्ट नहीं, सॉरी पेपर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, मुस्तफा ने जोर से चिल्ला के बोला. और मैं अपने घर में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट नहीं होने दूंगा. कई लोग क्या करते हैं, पंखा चालू छोड़ देते हैं, टीवी चालू छोड़ देते हैं, और अपना बाहर जाते हैं तो लाइट चलती हुई छोड़ देते हैं. तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है. और मुस्तफा ने कितनी अच्छी बात बोली है कि मैं अब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं होने दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, पानी से और कोयले से, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. तो मैं बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं करूंगा. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा. आशा ने कहा, और मैं ध्यान रखूंगी कि घर में बिल्कुल पानी का वेस्टेज ना हो. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, हाँ पानी की हर बूंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस फॉर द चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने एक संग बोला, हम सब मिलकर बचाओ बचत करेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. ये सब काम मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किया. उन्होंने पूरा विचार बना लिया, उन्होंने ना सोच लिया कि अब वो किसी भी चीज का वेस्टेज नहीं करेंगे. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लेफ्ट विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. अब ये एक बात सोचने वाली है कि हमारा फ्यूचर जो डिपेंड करता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. अगर हम रिसोर्सेज को बचा के यूज करेंगे, उनका कम यूज करेंगे, उनको आगे और बनने देंगे, उनको रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, उनका कंजम्पशन कम करेंगे, तो आगे वाली जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको इससे सहायता मिलेगी और उनको भी ये चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी. अगर हम इन सब चीज़ों का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी समस्याओं को का सामना करना पड़ सकेगा और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा. तो इसलिए हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड यू आर ऑल गोइंग टू डू एंड टेक सम और अदर रिजोल्यूशंस टू प्रिवेंट टू सेव डिफरेंट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर विश. आप जैसे चाहें आप कोशिश करिए, छोटा मोटा कोशिश करिए, कुछ भी कोशिश करिए ताकि अपन रिसोर्सेज का जो है वो सम बचाव कर सकें. इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो हैं और इसके जो एक्टिविटी वर्क है ये आपको हम अपने डिवाइन का जो ऐप है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा, ठीक है. और आप इसको पढ़ लीजिएगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और आपको रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई और आप आगे से इनका सही तरह से उपयोग करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.